आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुनसान सड़क, रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल, और उसी रास्ते पर चल रही मेरी टैक्सी हवा से बातें कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी और रास्ते पर कोई नजर नहीं आ रहा था, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ जंगल और पतली रोड ही दिखाई पड़ रही थी। मैं पिछले 14 सालों से टैक्सी चलाने का काम कर रहा था, मगर उस रात उस रास्ते पर मुझे जो महसूस हो रहा था वो शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। खैर, बिना किसी रुकावट के एक ही धुन में मैं टैक्सी चलाए जा रहा था। इसी बीच मैंने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मोबाइल से नज़र हटाकर मैंने जैसे ही सामने देखा तो मैं एकदम से हड़बड़ा गया, क्योंकि रोड के बीचों बीच मेरी टैक्सी से कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से ब्रेक मार दिया, जिससे मेरी टैक्सी घसीटती हुई बिल्कुल उस आदमी के पास जाकर रुक गई। उस आदमी के हाथ में एक थैला था। उस आदमी के हाव भाव से वो कुछ परेशान लग रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो खुद चलकर मेरे पास आया और बोला, भाई साहब आप जरा मुझे आगे तक छोड़ देंगे? इस पर मैंने बोला, ठीक है, मगर अचानक गाड़ी के सामने आना ठीक नहीं है, अगर आपको लग जाती तो। मुझे लगा बेचारे को लिफ्ट दे देना चाहिए, यहाँ कहाँ भटकेगा। यही सोचकर मैंने उस आदमी को लिफ्ट दे दिया और वापस से आगे बढ़ने लगा। उस आदमी के चेहरे से परेशानी अभी भी झलक रही थी, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों हैं और इस रास्ते पर कहाँ जा रहे थे? इस पर उस आदमी ने एक अजीब सा जवाब दिया, बस यूं ही कहीं नहीं। लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद उस आदमी ने कहा, भाई साहब गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है। इस पर मैंने टैक्सी रोकते हुए अगल बगल देखा, मगर आसपास मुझे घने जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। आसपास कुछ ना पाकर मैंने उस आदमी से कहा, यहाँ कहाँ उतरिएगा, यहाँ तो जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, अब मैं चला जाऊंगा। इतना बोलकर वो आदमी टैक्सी से नीचे उतरा और जंगलों की तरफ चलता बना, जिसके बाद मैंने भी ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए टैक्सी को आगे बढ़ा लिया। रास्ता अभी भी पूरी तरह से जंगल और खामोशी के गिरफ्त में था। अभी तक एक भी गाड़ी को ना देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, इस रास्ते पर कुछ ज्यादा ही खामोशी नहीं है, लगता है इतनी रात गए इस रास्ते पर कोई गाड़ी आती जाती नहीं है। अभी मैंने मन ही मन में ये कहा ही था कि तभी सामने सड़क के बीचों बीच मुझे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इतना बूढ़ा आदमी इतनी रात गए इस जंगली रास्ते पर क्या कर रहा है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग आदमी जोर जोर से रोने लगा, तो उसे अचानक रोता देख मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर इस बुजुर्ग आदमी को हुआ तो हुआ क्या। उस बुजुर्ग आदमी को रोता देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी टैक्सी रोककर उस बुजुर्ग आदमी से बात करने की कोशिश करने लगा, मगर वो बुजुर्ग आदमी मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय बस रोए जा रहा था। उस बुजुर्ग आदमी की हर एक सिसकारी मेरे कानों में चुभ रही थी, लिहाजा मैं टैक्सी से नीचे उतरा और उस बुजुर्ग आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ आपको, यहाँ ऐसे रो क्यों रहे हैं? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कुछ बोले बगैर अपना रोना बंद कर दिया। मैंने दोबारा पूछा, क्या बात है चाचा, मुझे बताइए तो मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। मेरे इतना बोलते ही उस बुजुर्ग आदमी ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, तो उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए,
क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसके मुंह से खून भी टपक रहा था। ये देखकर अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी तब से रो रहे उस बुजुर्ग आदमी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं समझ गया कि वो बुजुर्ग आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। मैं हिम्मत जुटाकर वहां से टैक्सी की ओर भागने लगा। टैक्सी के पास पहुंचकर मैं सीधे टैक्सी के अंदर गया और टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था, इस कदर कि स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे। मुझे लगा कि अब खतरा टल चुका है, मगर मैं गलत था। थोड़ा आगे जाते ही मुझे टैक्सी के पीछे से कुछ आवाज़ आने लगी, जैसे कोई किसी चीज को टैक्सी के बॉडी में पटक रहा हो, जिससे मैं और भी ज़्यादा डर गया कि भला चलती टैक्सी में ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मैं ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग आदमी टैक्सी के साथ साथ हवा में उड़ते हुए टैक्सी के साथ साथ चलने लगा। ये देखकर मेरा कांपता शरीर और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे ये भी पता नहीं था कि अब मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं, कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक मंदिर दिखा तो उस मंदिर को देखकर मेरी जान में थोड़ी जान आई, जिसके बाद मैंने टैक्सी को ठीक उस मंदिर के पास रोका और टैक्सी से उतरकर भागता हुआ उस मंदिर में चला गया और पूरी रात मंदिर में ही गुजारी। मेरे मंदिर में जाते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। आज से 25 साल पहले हमारे गांव की आबादी काफ़ी कम हुआ करती थी। सभी लोग अपना जीवन चलाने के लिए खेती किया करते थे। उस समय गांव में काफ़ी सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता था। उनमें से एक काला जादू या भूत प्रेत था। दरअसल हुआ कुछ यूं था, एक शाम घर से चाय पीकर मैं अपने दोस्तों से मिलने गांव के चौपाल पर गया, जहां सिर्फ मेरा एक दोस्त रवि ही आया हुआ था। मैं रवि के बगल में आकर बैठ गया और बोला, अरे रवि, बाकी के सब लोग कहाँ हैं? जिस पर रवि ने कहा, आज कोई नहीं आया यार। जिस पर मैंने कहा, आज अमावस है ना, लगता है सब लोग डर रहे होंगे इसीलिए नहीं आया कोई। अच्छा रवि, तुझे भी डर लगता है क्या? इस पर रवि ने कहा, हाँ यार, भूत प्रेत से तो डर लगता ही है, क्यों तुझे नहीं लगता? रवि के इतना बोलते ही मैं जोर जोर से हंसने लगा और रवि से बोला, मुझे डर वर नहीं लगता। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी काफी देर से हमारी बात सुन रहे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, ऐसे भूतों का मजाक नहीं उड़ाया करते हैं। हो सकता है भूत तुम्हारे बगल में ही बैठे हो। उस बुजुर्ग आदमी के इतना बोलते ही डर के मारे रवि एकदम से खड़ा हो गया और अपने अगल बगल देखने लगा। रवि को इस तरह की हरकतें करता देख मैं और जोर जोर से हंसने लगा और उस बुजुर्ग आदमी से बोला, क्या चाचा, आप भी हंसाने वाली बात कर रहे हैं, मुझे कभी डर वर नहीं लगता। इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता ना, तो एक काम करो, गांव के शमशान के पीछे नदी के किनारे एक आधी जली लाश पड़ी है, तुम उसके दाहिने हाथ में एक धागा बांध कर आओ। जिस पर मैंने कहा, हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर वो लाश आधी जली हुई क्यों है? इस पर उस बुजुर्ग ने बताया, जब उसकी लाश जल रही थी तो काफ़ी तेज बारिश आ गई, जिससे उसकी लाश बुझ गई, तो लोगों ने उसे नदी में बहा दिया। सारी बात सुनने के बाद मैंने रवि से कहा, तू चलेगा मेरे साथ? जिस पर रवि मुझे साफ साफ मना करके घर चला गया, मगर मुझे तो जाना ही था, क्योंकि मैंने काफ़ी ताव में आकर कह दिया था
मैं अपनी जगह से उठा तो उस बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। और मैं भी शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मेरे मन में अचानक से बेचैनी होने लगी कि मैंने जाने का फैसला करके कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। मगर मुझे इन सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था, तो मैं बिना सोचे ही आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता जिस पर अभी मैं आगे बढ़ रहा था, वो एक मिट्टी का कच्चा रास्ता था जिसके दोनों ओर बस घने लंबे पेड़ थे। अंधेरा तो इतना छाया हुआ था मानो किसी ने काले रंग की सीसी उड़ेल दी हो। खैर, भला तो इस बात का कि मैं अंधेरा होने के बाद हमेशा अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ जिसकी रोशनी के सहारे अभी मैं आगे बढ़ रहा था। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी एकदम से मेरी टॉर्च बंद हो गई और फिर से चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने टॉर्च को बार बार जलाने की कोशिश की मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास फैले सन्नाटे को महसूस करके मुझे डर का अनुभव होने लगा, मगर मैंने अपने मन को काफ़ी समझाया और आगे बढ़ने लगा। चलते हुए मैं शमशान के पास पहुंचा तो पूरा शमशान खामोशी के गिरफ्त में था। जली हुई लकड़ियां और मरे हुए इंसान के कपड़े उस माहौल को काफ़ी डरावना बना रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देखे जा रही हो। उस समय बड़ी बड़ी बात करने वाला मैं अब डरने लगा था। खैर, कांपते कदमों के सहारे मैं नदी के किनारे पहुंचा तो ठीक मुझसे कुछ ही दूरी पर एक आधी जली लाश औंधे मुंह जमीन पर पड़ी हुई थी। अभी मैं उस लाश के हाथ में धागा बांधने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी शमशान से किसी के तेज रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मेरी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगी। मेरा कपकपाता शरीर और भी ज़्यादा कपकपाने लगा। मेरे शरीर में अफरा तफरी मच गई। मुझे जो भी हाथ सामने दिखा मैंने उसमें धागा बांध दिया और घर की तरफ दौड़ लगा दी और अपने पैरों को गांव के चौपाल पर ही रोका जहां वो बुजुर्ग आदमी वैसे का वैसा ही बैठा हुआ था। मैं उनके पास गया और कहा, चाचा, मैंने उस लाश के हाथ में धागा बांध दिया। जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने अपना बायां हाथ निकालते हुए कहा, तुमने तो गलत हाथ में धागा बांध दिया है, ये देखो। उस आदमी के इतना कहते ही मैंने जब उसके बाएं हाथ की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो धागा जो मैंने उस लाश के हाथ में बांधा था वो अब उस बुजुर्ग के हाथ में बंधा था। यानी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि इसी बुजुर्ग आदमी की थी। अब मेरा शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ने लगा था और मेरे पैर कपकपाने की जगह सुन्न पड़ गए थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी का शरीर उस आधे जले लाश में बदल गया और उसने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और भारी सी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, भूतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आज तू मरेगा। और इतना बोलकर वो शैतान मुझे घसीटते हुए वापस से शमशान की तरफ ले जाने लगा। उसने मेरा गला इतना जोर से पकड़ा था कि मैं चिल्ला तक नहीं पा रहा था। घसीटते हुए उस शैतान ने मुझे शमशान के पास लाकर पटक दिया और मेरा गला दबाने लगा। अब मेरे मुंह से खून निकलने लगा था। मैं अपने आप को मरा हुआ मान ही चुका था कि तभी मुझे काफ़ी सारे लोगों की आहट महसूस हुई। मैंने देखा कि ठीक मेरे सामने की तरफ से काफ़ी सारे गांव वाले अपने हाथों में मसाल लेकर मेरी तरफ ही आ रहे थे। उनको आता देख वो शैतान एकदम से छूमंतर हो गया। फिर मुझे पता चला कि काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचने के कारण मेरे घर वालों ने रवि के पास कांटेक्ट किया था जहां से उन्हें मेरे बारे में पता चला। फिर मैंने
अपनी सारी आप बीती उन लोगों को बताई, जिसके बाद मैं अचानक ही वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पर था और सभी लोग मुझे घेर कर बैठे हुए थे। मुझे होश तो आ गया, मगर उसके साथ ही काफ़ी तेज बुखार ने मुझे जकड़ लिया। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मेरी आँखों के सामने उसी आदमी की आधी जली हुई शक्ल दिख रही थी। तो सुबह घर वालों ने मुझे एक तांत्रिक बाबा के पास ले गए। उन्होंने मुझे देखते ही अनुमान लगा लिया कि मुझे हुआ क्या है। कुछ देर की झाड़ फूँक के बाद मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा। फिर उस तांत्रिक ने बताया, उस आदमी की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसके लाश को आग के हवाले नहीं कर दिया जाता। तुम सभी लोग मिलकर उसकी लाश को जला दो, इससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तांत्रिक बाबा की सारी बात सुनकर पूरे गांव वालों ने मिलकर उस लाश को जला दिया और साथ ही उस धागे को भी, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने यह भी कहा था कि जब तक वो धागा नहीं जलेगा तब तक वो आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।